हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइजेंट्स स्माइल्स। तो आईसीसी वर्ल्ड कप का माहौल है, इंडिया बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और विराट कोहली भी शानदार बैटिंग कर रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इंडिया के इस शानदार परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट किया जाए, वो भी विराट कोहली के रेस्टोरेंट में 18 कम्यून में आकर। इसलिए हम आ गए हैं गुड़गावा MCM इंटरनेशनल में। हम करेंगे एंजॉय विराट कोहली के फेवरेट डिशेस विराट कोहली के रेस्टोरेंट में और हम देंगे आपको उसके फूड और एम्बियंस का रिव्यू। तो बने रहिए हमारे साथ माइल्ड एंड स्माइल में। और हाँ, इस रेस्टोरेंट का नाम 18 क्यों पड़ा, क्योंकि विराट कोहली के जर्सी है 1 और 8 80, तो उसके ऊपर ही विराट कोहली की रेस्टोरेंट चेन का नाम है 18 कम्यून, जो कि है ऑल ओवर इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए अभी अभी, जल्दी से अभी करिए। वन एट कॉम्यून रेस्टोरेंट सेक्टर 66 गुरुग्राम के M3M इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 55-56 रैपिड मेट्रो स्टेशन, जो कि यहाँ से 5.5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और ये गुरुग्राम में मोस्ट हैपनिंग हैंगआउट प्लेस बनता जा रहा है। आपको यहाँ पे और भी फूड रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जैसे कि कोस्टा कॉफ़ी, स्मोक हाउस दिल्ली, स्टारबक्स, टैको बेल, सोशल दरियागंज वगैरह। वनेट कॉम्यून यहाँ के सेकंड फ्लोर पर है और रेस्टोरेंट में एंट्री करते ही आपका स्वागत करेगा ये 18 कॉम्यून का मैस्कॉट और ये शानदार आउटडोर गार्डन सिटिंग। बहुत ही सुंदर एम्बियंस है बाहर का गार्डन सिटिंग का। यहाँ पे दो टाइप की सीटिंग और है, एक इंडोर और दूसरी रूफटॉप। इंडोर में सीटिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए रूफटॉप और आउटडोर गार्डन सीटिंग इनफ है। बट इसका एम्बियंस और इंटीरियर बहुत ही सुंदर, अमेजिंग और शानदार है। और इस शानदार इंटीरियर का पार्ट है विराट कोहली साइंड हिज नेशनल क्रिकेट जर्सी। मेन्यू एक्सेस करने के लिए आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा और अपनी कुछ डिटेल्स डाल के रजिस्टर करना पड़ेगा। और फूड मेन्यू में जाते ही सबसे पहले आपको दिखेगा विराट्स फेवरेट डिशेस। ड्रिंक्स में हमने मंगाया फ्रेश ऑरेंज जूस, जो काफ़ी रिफ्रेशिंग था, और मैंने ऑर्डर करी थी सनशाइन बेकरी, जो मुझे बहुत पसंद आई। और हमारा पहला फूड आइटम था विराट कोहली फेवरेट टाटा टॉप डन एवोकाडो, जिसकी मेन इंग्रेडिएंट्स थे एवोकाडो एंड क्रिस्पी कॉर्न, जो कि खाने में बहुत ही यमी था और अलग ही फ्लेवर्स आ रहे थे, जो बहुत ही अमेजिंग थे। क्रीमीनेस और क्रिस्पीनेस ने इस डिश में 4 चांद लगा दिए थे। हमारे लिए इस डिश को थम्स अप। हमारा दूसरा आइटम जी विराट कोहली फेवरेट में से था मशरूम गुगली डिमसम्स, जो भी काफ़ी यमी थे। इसमें मशरूम और वेजीज का फ्लेवर था, ये भी टेस्टी थी, पर हमें पहली वाली डिश ज़्यादा अच्छी लगी। और हमारे नेक्स्ट आइटम्स थे नॉर्मल मेन्यू में से एवोकाडो एंड एस्पैरागस सुशी एंड ग्रीन मैक एंड चीज़। ये दोनों डिशेस भी हमें बहुत अच्छी लगी। हमारी तरफ से यहाँ के फूड और एम्बियंस को थम्स अप, तो आप लोग भी जाके ज़रूर ट्राई करें। और प्राइस भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, तो अपने आप स्पेशल मोमेंट्स वहाँ जाके इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ खाने के बाद हमने डेजर्ट के लिए दूसरा आउटलेट एक्सप्लोर किया। और कुछ नया ट्राई करने के लिए डेजर्ट में हमने एक जापानीज़ कैफ़े हाराजुकू से पेस्ट्रीज़ और चीज़ केक्स ट्राई किए, जो भी काफ़ी अमेजिंग थे। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब्सक्राइब करना ना भूलें।